बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ गया हमारी क्विज 3। जो था क्विज 3, मैंने अपना नाम लिख लेते हैं। चलो जी, क्या होगा? अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। नाम लिख दिया अपना। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गई है बच्चों? ये आ गई है जी, धूप घड़ी आ गई। अच्छा, ये क्या होती थी? धूप घड़ी होती थी, इस पे ना साया बनता था और इससे क्या हो रहा था, टाइमिंग्स जो होते थे ना, टाइम जो है ना वो बन जाता था। ठीक है। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, मौजून आ गया। मौजून क्या है? यम दहु किस वजन के ऊपर होगा? यम दहु का वजन क्या होगा? देखो, एक तरफ क्या है, मैंने बताया था ना, एक तरफ हमने क्या रखे थे, सेब रखे हुए थे, एक तरफ हमने पत्थर रखे थे। ऐसा ही था, ऐसा ही था ना? तो अब मौजून क्या आएगा? मीम दाल और हा जो है ना, ये हरूफ असली हमें पता चल गया है, ये फा एन लाम के मुकाबले में। तो अब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि या क्या होगी, ये जायदा है, जायदा है। तो अब इसका वजन क्या होना चाहिए? ये तो आपको क्या होना चाहिए, आंखें बंद करके क्या करना चाहिए, आपको कहना चाहिए उस्ताद जी, ये अगर इस रहे ना, तो इसका वजन भी, इसमें भी चार हर्फ होने चाहिए। इसमें भी कितने होने चाहिए? चार हर्फ होने चाहिए। और जैसे इसके ऊपर आ रहे हैं, वैसे इधर भी हरकतें लगा दें, जैसे इधर है तो ऐसे ही। तो ये क्या आ जाएगा? या ज्यादा थी तो या के मुकाबले में आ गई, तो या फल हुआ आना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कोई मुश्किल काम है? इसमें कोई मुश्किल है? कौन सी मुश्किल चीज है ये? या फल हुआ आपका तो सोची, बड़ा मुश्किल है। यम दाऊ का वजन क्या है? ये आ गया बच्चों, या फल हुआ आ गया। चलो ठीक हो गया, आगे चलो। यम दाऊ का मतलब क्या है? तारीफ करता है, करेगा वो एक मतलब, ऐसा ही है ना? यम दाऊ का मतलब क्या है? करता है, करेगा। कौन सा फेल होना चाहिए? मुजारे होना चाहिए। अच्छा चलो, ये बात तो खत्म हो गई है। चलो अब आ गया जी, मुस्लिमुन मुफेलुन। वजन दिया हुआ है आपको, मुस्लिमुन मुफेलुन। मीम मीम के मुकाबले में है, सीन किसके मुकाबले में? फा के मुकाबले में है, लाम जो है वो आइन के मुकाबले में है, और मीम किसके मुकाबले में? लाम के मुकाबले में है। तो फा एंड लाम के मुकाबले में क्या आ रहे हैं? सीन, सीन लाम और मीम आ गया। सीन लाम और मीम आ गया, और रूफे जायदा आपको खुद पता चलेगा, मीम आ जाएगा। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? सीन लाम और मीम उसमें से आ जाएगा। वाह, कितना आसान, बहुत आसान है ये तो। मुस्लिम उनमें हरूफ असले कौन से हैं? सीन लाम। वाह 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 वाह, अच्छा जी। और जायदा कौन सा होगा? ओ भाई, मीम होगा। वाह, अच्छा जी। चलो अब आगे जी, मुकाबलातुन मुफालातुन। मुकाबलातुन मुफालातुन, तो मीम मीम के मुकाबले में है, काफ किसके मुकाबले में? फा के मुकाबले में है, अलिफ अलिफ के मुकाबले में है, लाम जो है वो लाम के मुकाबले में आ गया, और गोलता गोलता के मुकाबले में। ठीक है, तो फा एन और लाम के मुकाबले में चीज क्या आ रही है? काफ, काफ बालाम। वाह 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 वाह, काफ बालाम, काफ बालाम क्या हो गए? असली हो गए, और बाकी जितने भी हैं वो जायद हरूफ हैं। काफ बालाम असली हैं और बाकी जितने भी हैं वो जायद हैं। अच्छा जी उस्ताद जी, तो देखिए फिर जरा, करते क्या आप? ये तो आपने बड़ा मुश्किल, तो काफ बा लाम असली आ गए। अब जायदा कौन कौन से होते हैं? मीम जायदा होगा, अलिफ जायदा होगा, और आगे क्या होगी? गोलता जायदा होगी। ये गोलता, गोलता, अच्छा गोलता जायदा होगी। चलो जी उस्ताद जी, ये करते हैं जरा। तो इसके असली कौन से, असली कौन से? काफ बा लाम। चलो जी, इसमें रुफे जायदा कौन से हैं? तो मैंने बता दिया, मीम आ गया, अलिफ आ गया, गोलता आ गया। वाह 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 वाह, ये भी आसान हो गया। अच्छा जी, अब आ गया ताकुब तफाउल। ताकुब तफाउल, उस्ताद जी ता ता के मुकाबले में आइन, फा के मुकाबले में ये अलिफ, अलिफ के मुकाबले में आ गया, काफ आइन के मुकाबले में, बा लाम के मुकाबले में। वाह वाह वाह, क्या डिजाइन बन गया है। ठीक है ना, डोम का इतना जो सनत है। अब क्या आ गया? आइन काफ और बा क्या आ गए? आइन काफ और बा असली हो गए, उस्ताद जी ता और अलिफ जायदा होंगे। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा आसान है, ता अलिफ जायदा है। अब इसमें कौन सी थी? तो ताकुब से कौन से हैं? ऐन काफ बा। चलो जी, और ता और अलिफ के आ गए, जायदा आ गए। अब बताओ, तकद्दसा तफाला, तकद्दसा तफाला, उस्ताद जी ता ता के मुकाबले में, काफ फा के मुकाबले में, ये दाल दाल, ये जो थी ना, ये दाल सीन, सीन के। तो इसमें से काफ दाल और सीन क्या होंगे? असली होंगे, और एक
ये ता और एक दाल जायदा है इसमें से, एक दाल जायदा ना, क्योंकि आइन आइन जो आ गए ना, तो ता और दाल जायदा है। चलिए जी उस साइड फिर करें आप टेस्ट पास करें फिर। काफ दाल सीन ठीक हो गया, और एक ता और एक दाल क्या है जायदा। अब क्या करें, चलो जी थर्मामीटर अब क्या आ गया, हो चुका है टेम्परेचर। दाल कैसे जायदा है, दाल एक एक दाल दो दालें हैं ना ये, एक दाल माश एक दाल क्या आ गई है, दाल चना, एक दाल माश एक दाल चना हो गई ठीक है, तो दो दालें हो गई है ठीक है ना। तो अब क्या आ गया, तो एक असली आ गई, एक क्या आ गई है शायद आ गई है, तो क्या करेंगे इसको, क्या करते हैं आपने, एक शायद है एक असली है, तस्दीद है ना शायद है ना, तो फाइन लाम में से दोनों तो नहीं हो सके, तो ये हो गया। जी सबमिट करें। अब व्यू स्कोर करते हैं, पता नहीं क्या बना क्या बना। शाबाश, क्या मतलब व्यू स्कोर 10/10 आ गया, वाह वाह वाह, कमाल हो गया, 10/10 ठीक है, 10/10 ये सारे गुड। देखो ये आप चेक भी कर रहे हैं, वाह वाह, गूगल ने जो है ना चेक भी कर रहा है साथ ही, इसको सर्फ कहाँ से आ गई है, इसको सर्फ कहाँ से आती है ये भी कह रहा है ठीक है। सारे क्या किए उसने, उसे चेक करके मैं बता दिया, कहते शाबाश आपने किया है ये सारे, चेक करके उसने बता दिया 10/10 मार्क्स आ गए हैं बस। अब इसमें क्या मुश्किल था, अब समझ जिसको नहीं आ रही है उसके लिए क्या है, उसके लिए जवाब ये है घबराना नहीं है ठीक है ना, ठीक है ना, उसे करना है घबराना नहीं है, समझ नहीं आ रही, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ठीक हो गया, घबराना नहीं है, समझ आ जाएगी आप। मुतालबा यह है कि हरफी असली किसे कहते हैं, जो वजन करने में फा एन लाम के मुकाबले में आता है उसको हरफी असली कहते हैं, और जो वजन करने में फा एन लाम के मुकाबले में नहीं आता उसको हरफे जायद कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जो फा एन जो वजन करने में क्या आता है, फा एन लाम के मुकाबले में आएगा उसको क्या कहेंगे, हरूफ असली कहेंगे, और जो फा एन लाम के मुकाबले में नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे, हरफे जायद कहेंगे। कुछ समझ आई, ये भी समझ नहीं आई, ठीक है समझ गए हो, तो ये उसमें से आया, बस ये चीज आपसे। अब आते हैं जनाब अफाल और उनके सीगे और करताने आते हैं, अफाल और उनके सीगे और करताने आ गया। अरबी में फेले माजी के 14 सीगे आते हैं, तफसील ये है, 3 मुजक्कर गायब के लिए, 3 मुअन्नस गायब के लिए, 3 मुजक्कर हाजिर के लिए, 3 मुअन्नस हाजिर के लिए, 2 मुतकल्लिम के लिए। मुतकल्लिम का पहला सीगा वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, और दूसरा सीगा तस्निया मुजक्कर तस्निया मुअन्नस जमा मुजक्कर जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो बच्चों, अंग्रेजी के अंदर आपने क्या किया था, अंग्रेजी के अंदर आपने क्या किया था, आप क्या करते थे, आप कहते थर्ड पर्सन था ठीक है ना, थर्ड पर्सन था, फिर क्या था सेकंड पर्सन था, और फिर क्या आता था फर्स्ट पर्सन आता था, ऐसा ही था फर्स्ट पर्सन आता था ऐसा ही था। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर होता था और प्लूरल होता था, सेकंड पर्सन में भी क्या होता था सिंगुलर होता था प्लूरल होता था, फर्स्ट पर्सन में भी क्या होता था सिंगुलर होता था प्लूरल होता था ठीक है ना, वो समझ रहे हो। अच्छा जी फिर आप क्या करते थे, आप कहते थे जी उसमें क्या होगा सिंगुलर, इसमें से सिंगुलर के अंदर से भी मैस्कुलन और फैमिनन, ये मैं यू कर रहा हूँ फैमिनन, मैस्कुलन फैमिनन, प्लूरल में भी क्या आएगा मैस्कुलन, मैस्कुलन समझते हो ना, मुजक्कर मुअन्नस ठीक है ना, फैमिनन ठीक है, तो आप यू मेल फीमेल कह लो, मेल फीमेल कह लो, चलो इसमें भी क्या आएगा मेल फीमेल,
मेल फीमेल। इंग्लिश सीखे ना, इंग्लिश के बगैर तो आप कैसे चलेंगे। इंग्लिश तो क्या, अंग्रेजों ने तो जो है ना पूरी दुनिया पे क्या किया, कभी इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, ये अंग्रेजों ने कैसे आखिर अंग्रेजी को दुनिया में कैसे फैलाया, कैसे है, कभी आपको ये भी बताऊंगा। अच्छा हम जो ज्योग्राफी, जब मैं पढ़ाता हूँ ना ज्योग्राफी, उसमें फिर हम लोग करते हैं कि देखो अंग्रेजी दुनिया के अंदर जुबान जो बोली जाती है वो एक इतनी बड़ी जुबान है कि वो पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर आप क्या कर लेते हो, बोलते हो, लोग समझते हैं उसको। अंग्रेजी जो है क्यों आखिर अंग्रेजों ने क्या, आखिर उसमें क्या था अंग्रेजों के से, और सहाबा का, सहाबा में और सहाबा के बाद के लोगों में क्या फर्क था आखिर। आपको पता है सहाबा ने मिस्र को, मिस्र में सहाबा गए ठीक है ना, लीबिया के अंदर, लीबिया तक जो है ना वो पहुंचे ठीक है ना, मिस्र, फिर आगे क्या था मराकेश, नहीं मराकेश नहीं, आगे ट्यूनिशिया, ट्यूनिस वगैरह जो है, तो ये जो वो अफ्रीका के ममालिक हैं ठीक है ना, जो अफ्रीका की शुमाली पट्टी है, मिस्र ठीक है ना, लीबिया, ट्यूनिस ठीक है ना, अलजायर, मराकेश, ये जो सारी वो। मजे की बात यह है इनकी जुबान बर्बरी जुबान थी, इनकी जुबान क्या थी, बर्बरी, लेकिन बोलते वो अरबी हैं। कमाल है ना, कमाल हुआ कि नहीं हुआ, कमाल क्या है कि उनकी जुबान क्या थी, बर्बरी जुबान थी। सहाबा पहुंचे हैं तो क्या होगी, जुबान ही क्या होगी उनकी, चेंज हो गई है। मिस्र में लोग क्या बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, हालांकि अरबी नहीं बोलनी चाहिए भाई उनकी जुबान, उन लोगों की जुबान तो क्या थी, बर्बरी जुबान थी। सहाबा जहां पे जाते थे तो सहाबा का रंग ही कुछ और होता था ठीक है ना, उन्होंने जिस तरीके से वो किया उधर एक खास, एक उन्होंने वो पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे हमें हिंदुस्तान को फतेह किया मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन हमारी जुबान क्या नहीं हो सकी, अरबी नहीं बन सकी। मोहम्मद बिन कासिम भी आया, उसकी जुबान भी अरबी थी, लेकिन हम अरबी नहीं वो कर सके ठीक है। तो ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये कैसे होता है आखिर, जुबानों का क्या एक असर होता है और जुबान की एक क्या वो है। आपको ये अंग्रेज हर जगह के, दुनिया के कोने कोने के अंदर इन्होंने क्या खोले हुए होते हैं, अपने ब्रिटिश काउंसिल के इन्होंने वो खोले हुए होते हैं, सेंटर्स खोले हुए होते हैं ना ब्रिटिश काउंसिल के। बाज जगहों पे वो मुफ्त सिखाते हैं, बाज जगहों पे मुफ्त सिखाते हैं, बाज जगहों पे वो फीस लेके, लेकिन दुनिया अब सीख रही है, फीस, फीसें देख के जो है डॉलर्स के अंदर और पाउंड्स के अंदर फीसें दे दे के लोग क्या होते हैं अंग्रेजी सीख रहे होते हैं ठीक है ना। लेकिन आपने कभी सुना कि अरबी जुबान सिखाने के क्या हो सेंटर्स हो, अरबी जुबान सिखाने के सेंटर हो, क्या अरब नहीं खोल सकते, सऊदी अरब वाले इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर क्या कर सकते हैं, अरबी के सेंटर्स नहीं खोल सकते क्या। अंग्रेज खोलता है, मुसलमान नहीं खोलता अरबी के सेंटर्स में अरबी सिखाने वाले। अच्छा ईरानी भी सिखाते हैं हम लाहौर में भी, यहाँ पे भी ईरानी काउंसुलेट जो है ना, ईरान का यहाँ पे जो है जो टाउन इसमें से अपना जेल रोड के ऊपर है, फारसी जो है 3-3 महीने के कोर्सेज करवाते हैं, 6 इसमें से फारसी जो है। अरब क्यों नहीं सिखाते हैं, ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि क्या होता क्या है दुनिया के अंदर कैसे होता है। अमेरिका में जाते हो 6-7 साल में, या कनाडा जाते हो, किसी जगह जाते हो, आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। सऊदीया में आप 50 साल भी लगा लोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगी, नेशनैलिटी नहीं देंगे आपको ठीक है ना, आपको ये जो है जितने भी अरब ममालिक हैं नेशनैलिटी नहीं देंगे आपको। भाई क्यों नहीं देंगे यार, क्या वजह क्या है। सो अमेरिका क्या करता है, कहता है 6 साल गुजार लो, 7 साल गुजार लो, कनाडा कहता है गुजार लो हम नेशनैलिटी देंगे, सऊदीया क्यों नहीं देता। क्यों नहीं करते हैं आखिर, उनको क्या चीज सिखाई गई है, उनको क्या उनको बताया उन्होंने कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने ये काम नहीं करने हैं। मिसाल के तौर पे सऊदीया आज ऐलान कर दे कि सऊदीया में जो बंदा 10 साल या 15 साल गुजारेगा हम क्या करेंगे, उसको नेशनैलिटी मिल जाया करेगी उसमें से ठीक है, उसके पास पैसा वो भी शर्त लगा लें। मुसलमानों का बेहतरीन जहन जो है, मुसलमानों की बेहतरीन जो कहते हैं ना जहनी सलाहियतों वाले लोग कहाँ जाना चाहेंगे, मक्का और मदीना जाना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे, वो कहेंगे यार हम मक्का में जिंदगी गुजारेंगे, हम मदीना में जिंदगी गुजारेंगे। आपके पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट मुसलमान, कहा हर बंदे की ख्वाहिश होती है यार, मुसलमान जो भी है वो कहता है यार मैं मदीना के नजर भी गुजारना चाहता हूँ, जाके मैं मदीना में रहूंगा, चलो मक्का में रहूंगा। आपके पास इतना बेहतरीन रिसोर्स क्या होगा, वहां पे पहुंच रहा होगा बेहतरीन दुनिया के, आप ठीक है आप शरायत लगा लो कि हम ऐसे ऐसे जो जो लोग ये क्वालिटीज होंगी हम उनको क्या करेंगे, नेशनैलिटी देंगे।
आप लगाओ, देखो कैसे दुनिया जाती है। लेकिन आपको पता है कि जनाब, आप लोग 30-30 साल जो होते हैं ना गुजारे होंगे, 35-35 साल, 40-40 साल गुजारे होंगे, निकाल रहे हैं उनसे, निकलो मुल्क से बाहर जाओ, भागो। 40 साल भी आप गुजार के क्या होते हैं, आपको ये नहीं होता कि जनाब हम क्या हैं उसमें से। ये एक आपा सही बहुत अच्छा करते हैं, आपको पता ही नहीं है बेसिकली दुनिया की क्या वो क्या होती है, दुनिया चलती कैसे है, क्या एक उसके पीछे ये सारी चीजें क्या होती हैं। उनको भी जिन्होंने पटियां पढ़ाई हैं, वो उन्होंने जिन्होंने पटियां पढ़ाई हैं उनको उनको यही बताया गया कि तुमने ऐसे चलना है, कहते हैं हाँ ऐसे ही चलना है। और मैं यही समझ नहीं आती कि भाई आखिर थोड़ी सी हमें अगर ये चीज समझ आती है, हम दुनिया को पढ़ के या उसको जो है इसको वो किया जाता है, असल में एक एक पूरा एक फन है, ठीक है ना, अलगसुल फिक्री इसको कहा जाता है, ठीक है ना, अलगसुल फिक्री एक फन है, पूरा एक मजमून है ये, ठीक है ना। अंग्रेजी के अंदर आप इसको यूं कह सकते हो, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है कायदे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, DSS, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है, ये एक फन है पूरा। जुबान जो होती है ना बड़ी अहम चीज होती है, अच्छा जिंदगी के अंदर ये अपने एक को समझ लो। हो गया, अच्छा जी चलो, क्या बात आ गई बच्चों, टाइम जो है वो हो गया। चलो जी, अब तेरा साथ वालों, आप लोग अब वापस उधर फिर इंशाल्लाह इस पे पढ़ेंगे। ये तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया, तो बात छेड़ने की देर होती है उसमें से।